मैन पांडे आप लोगों का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आप चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, आप साइंस के स्टूडेंट हैं या मैथ्स के स्टूडेंट हैं, किसी भी तरीके से आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और कंप्यूटर के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंप्यूटर में जो मशीन लैंग्वेज होती है, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, वो आपका बाइनरी नंबर पर डिपेंड करता है। बिकॉज बाइनरी नंबर जो है आपका मेमोरी यूनिट में जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसे हम बिट कहते हैं, और बाइनरी का एक सिंगल डिजिट एक बिट के बराबर होता है। जीरो को हम लेस सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं और वन को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। तो इस तरह से नंबर सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा शेयर जरूर करें, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे उतने लोगों को ये फ्री क्लासेस मिल पाएगी। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक नंबर सिस्टम। आप ध्यान देंगे नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली, अगर देयर आर फोर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम चार प्रकार के होते हैं। आप इस क्लासिफिकेशन चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे नंबर सिस्टम को। और ये जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, मैंने जो डायग्राम बनाया है क्लासिफिकेशन का, इसके माध्यम से फिर आप कभी भी नंबर सिस्टम को नहीं भूलेंगे। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही केयरफुल आप देखेंगे। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे आप, तो आपको ये इस डायग्राम के माध्यम से फिर कभी भी आपको नंबर सिस्टम नहीं भूलेगा। तो आप देखें नंबर सिस्टम, मैंने आपको बताया चार प्रकार का नंबर सिस्टम होता है। फर्स्ट है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकेंड है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, और फोर्थ है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आप देखें सबको मैंने अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है, जिससे आप डेसिमल नंबर सिस्टम, उसकी डिजिट्स, डिजिट्स में कितने डिजिट्स होती हैं, उसका बेस क्या होता है, उसको हम लिखते कैसे हैं, ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आप एक एक करके देखें इसमें। तो आप देखें डेसिमल नंबर सिस्टम जो है आपका, उसमें कुल 10 डिजिट्स होती हैं। 10 डिजिट्स, यही सबसे कॉमन नंबर सिस्टम अगर कहा गया तो कॉमन नंबर सिस्टम है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। बिकॉज चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या कैलकुलेटर हो, हर जगह आपको 0 से 9 तक की ही डिजिट मिलती है। अगर आपके पास 0 से 9 डिजिट मालूम है आपको, तो आप कोई भी बड़े से बड़ा अंक बना सकते हैं। तो आप देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 0 से 9 तक कुल 10 डिजिट्स होती हैं। नीचे आप देखें लिखा है 10 डिजिट्स, कहने का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 10 डिजिट्स होती हैं और इसका बेस 10 होता है। बेस क्या चीज है, मैंने नीचे दिया हुआ है, 0 से लेकर 9 के बीच की कोई भी डिजिट हम लिखेंगे और उसमें देखिए 10 बेस में मैंने 10 डाला हुआ है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो आप ध्यान देंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें कुल 10 डिजिट्स होती हैं, 0 to 9 10 डिजिट्स, इसका बेस 10 होता है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब हम बाइनरी पे आते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है आपका, उसमें कुल 2 डिजिट्स होती है, 0 and 1। अभी मैंने आपको बताया 0 है जो आपका, उसे हम लेस सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, और 1 को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, या इसे हम फॉल्स बोलते हैं, इसे हम ट्रू कहते हैं, इसे हम ऑफ बोलेंगे, इसको हम ऑन बोलेंगे, अगर हम कोई भी सर्किट बना रहे हैं तो। मैथ्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 0 को हम ऑफ बोलेंगे और 1 को हम ऑन बोलेंगे, जैसे हम फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, सर्किट डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो बाइनरी जो नंबर सिस्टम, उसमें कुल 2 डिजिट्स होती है, 0 and 1, और एक एक डिजिट इसका सिंगल एक बिट के बराबर होता है, इसलिए कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है इसी के अंतर्गत जाती है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ है कि बिट क्या है, बाइट क्या है, बिट एंड बाइट एक कंप्लीट यूनिट। आपको समझने के लिए हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होती है, 0 and 1, इसमें कुल कितनी 2 डिजिट्स होती है और इसका बेस 2 होता है। आप देखिए कैसे व्यक्त करते हैं, इसे हम कैसे लिखते हैं, 1 1 0 1 0, इसका बेस मैंने 2 डाला हुआ है, मतलब ये बाइनरी को व्यक्त करता है। इस तरह से हम बाइनरी को लिखते हैं। तो आप देखें बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें 2 डिजिट्स होती हैं, 0 and 1, 2 डिजिट्स, बेस में 2 होता है, और इसको इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम
ऑक्टल नंबर सिस्टम देखते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसमें कुल 8 डिजिट्स होती है, 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 to 7 कुल 8 डिजिट्स होती है। आप देखिए लिखा हुआ है 8 डिजिट्स, बेस में 8, ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। और ऑक्टल को हम इस तरह से लिखते हैं, ऑक्टल में कहीं भी 8 and 9 ये दो डिजिट्स आप नहीं दे सकते। 0 to 7 डिजिट आप यूज कर सकते हैं, बट 8 और 9 यहां आप नहीं देंगे, बिकॉज ये आपका ऑक्टल है और ऑक्टल की जो संख्या है वो 0 से 7 तक ही है। तो आप देखें ऑक्टल को इस तरह से हम व्यक्त करते हैं, ये ऑक्टल नंबर को लिखने का तरीका है, बेस में 8 चला जाएगा उसके, क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 है। अब नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसमें कुल 16 डिजिट्स होती है। 16 डिजिट्स क्या है, 0 to F, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, ये 0 to F तक जो है वो कुल 16 डिजिट्स है। 16 डिजिट्स है, उसका बेस 16 होता है। हम हेक्साडेसिमल को इस तरह से लिखते हैं और इसमें बेस में जब 16 रहे तो आप समझ जाए कि वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये है 4 नंबर सिस्टम में आपके डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल है, हेक्सा, जिसमें आपने देखा डेसिमल में कुल 10 डिजिट, 0 to 9, इसका बेस 10 होता है, इसको इस तरह से लिखते हैं। बाइनरी में 2 डिजिट होती है, 0 to 0 और 1, इसमें कुल 2 डिजिट है, बेस 2 होता है, इसको इस तरह से हम लिखते हैं, बेस में 2 डालते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कुल 8 डिजिट होती है, 0 to 7, इसका बेस 8 होता है और इसको इस तरह से हम व्यक्त करते हैं, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है उसमें कुल 16 डिजिट्स होती है, 0 to F होता है, 16 डिजिट्स होती है, इसका भी 16 होता है, इसको कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। तो आपने देखा नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कुल कितने डिजिट्स होती है, उसमें उसका बेस क्या है और उसको हम किस तरह से लिखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल को हम बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्सा को बाइनरी कैसे करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, वो कंप्लीट हम समझते हैं। तो अब देखिए आपको मैं एक टेबल के माध्यम से समझाता हूं कि हेक्सा डिजिट्स तक हम डेसिमल कैसे लिखते हैं, ऑक्टल कैसे लिखते हैं और उसकी बाइनरी हम कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही सिंपल, अगर इसको एक बार आप देख लेंगे ध्यान से तो फिर कभी भी आप हेक्सा डिजिट तक बाइनरी को कन्वर्ट करना नहीं भूलेंगे। आप जानते हैं अभी मैंने बताया कि हेक्सा में कुल 16 डिजिट्स होती है हेक्सा डेसिमल में, तो हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, and F। अब यहां तक हम डेसिमल लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक डेसिमल होता है। उसके आगे यहां से फिर हम 1 के साथ लिखेंगे, 0 से हमने लिखा तो हम 1, 0 लिखेंगे, मतलब 10, 11, थोड़ा नजदीक हो जा रहा है, आप समझेंगे इसको, आप डिजिट्स के हिसाब से आप समझेंगे, 11, 12, 13, 14 and 15, ये है आपका डेसिमल नंबर हेक्सा तक। 16 डिजिट इसमें भी है और हेक्सा तक डायरेक्टली ये डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा है। अब आप देखेंगे ऑक्टल, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आता नहीं है ऑक्टल में, तो हम लिखते हैं 10, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 and 17, ये है कुल आपका ऑक्टल। हेक्सा को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया डायरेक्टली। अब आप देखें बाइनरी में केवल 2 डिजिट्स होती हैं, 0 और 1, तो हम क्या करते हैं, हेक्सा में मेरा कितना है 16, तो हम बाय 2 कर देते हैं, हम क्या करते हैं 8 बार हम 0 लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब हम 8 times 1 लिख लेते हैं, 8 times 1 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं इसका आधा करते हैं, अब हम 4 times 0 लिख लेते हैं, 4 times 1 लिख लेते हैं, फिर 4 times 0 लिख लेते हैं,
फिर फोर टाइम हम वन लिख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं इसका फिर बाय टू करते हैं, हम टू टाइम जीरो लिख लेते हैं, टू टाइम वन लिख लेते हैं, टू टाइम जीरो, टू टाइम वन, टू टाइम जीरो, टू टाइम वन, टू टाइम जीरो, टू टाइम वन, फिर हम इसका बाय टू करते हैं। अब एक बार हम जीरो लिखेंगे, एक बार वन लिखेंगे, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो एंड वन। आप गिन सकते हैं इसको कि ये 16 हुआ कि नहीं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन, ये यहां तक है, हर एक 16 डिजिट तक ही है। कहने का मतलब जीरो का जीरो यहाँ बाइनरी है, तो अगर हम बाइनरी को देखें तो ये जीरो की वैल्यू है, ये वन का वैल्यू है, ये टू का वैल्यू है, थ्री का वैल्यू है, ये फोर का वैल्यू है, ये फाइव का वैल्यू है, ये सिक्स का वैल्यू, सेवन का वैल्यू, एट का वैल्यू, नाइन का वैल्यू, टेन का वैल्यू, इलेवन का वैल्यू, ट्वेल्व का वैल्यू, थर्टीन का वैल्यू, फोर्टीन एंड फिफ्टीन का वैल्यू, ये कंप्लीट हो गया आपका। तो इस तरह से हम बाइनरी बना सकते हैं, हेक्साडेसिमल का डायरेक्टली हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम डायरेक्ट डेसिमल कैसे, आप देखें जो एफ है उसकी वैल्यू 15 है डेसिमल में, ई का वैल्यू 14 है, डी की वैल्यू 13 है, सी की वैल्यू 12 है, बी का वैल्यू 11 है एंड ए का वैल्यू 10 है, उसके ऊपर तो आप सब देख ही रहे हैं। इसी तरीके से इसमें जो यहां पर 9 है 8 है वो यहां पर 10 है ऑक्टल में, जो 9 है वो यहां पर 11 है, जो यहां 10 है डेसिमल में वहां 12 है आपका ऑक्टल में। इसका मतलब यह है कि डेसिमल का जो डिजिट है, जो डेसिमल का नंबर है वो ऑक्टल के बराबर नहीं, ये तीनों चारों अलग अलग नंबर है और उसको सबको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर रखा है। कहने का मतलब ये 15 की भी बाइनरी है, ये 17 की भी बाइनरी है और ये एफ की भी बाइनरी है, लेकिन 17 आपका ऑक्टल है, 15 आपका डेसिमल है और एफ आपका हेक्साडेसिमल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा गैपिंग मैंने कम रखा इसलिए बराबर भी नहीं गया, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करते हैं और अब देखते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करके। मैंने नीचे लिखा हुआ था 11010, ये एक बाइनरी है और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेसिमल। इस तरह से अगर हम इक्वेशन देते हैं तो इसका मतलब है इस बाइनरी को डेसिमल में आप कन्वर्ट करिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम बाइनरी डिजिट को डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना होता है तो हम बाइनरी का बेस टू है और उससे इसमें गुणा करते हैं और जो डेसिमल डिजिट्स होती हैं वो पावर में चला जाता है। तो हम इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं जिससे आपके समझ में आवे। 11010। अब हम क्या करते हैं, वे इससे गुणा करते हैं, 0 इंटू टू की पावर में 0 प्लस 1 इंटू टू के पावर में 1 प्लस 0 इंटू टू के पावर में 2 प्लस 1 इंटू टू के पावर में 3 प्लस 1 इंटू टू के पावर में 4। आप देखें 1 2 3 4 5, यहां भी 1 2 3 4 और 5 हो चुका। जब पावर में जीरो चला जाता है तो डायरेक्टली वो कट जाता है, तो यहां आपका जीरो उतर आ जाएगा। मैथ्स में पावर में अगर जीरो गया है तो वो डायरेक्ट कट जाता है। आप देखें जो टू से मैंने गुणा किया है ये बाइनरी का बेस है, और जो पावर में वन जीरो से वन टू थ्री फोर, चूंकि इतनी ही डिजिट मेरे पास थी तो वो पावर में जो जा रहा है वो आपका डेसिमल डिजिट है। इसका ध्यान देंगे आप, जब हमें बाइनरी टू डेसिमल करना होता है तो बाइनरी बेस से गुणा करते हैं बाइनरी नंबर में और हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो पावर में चढ़ता चला जाता है। तो आप देखें फिर 2 1 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, फिर हम करते हैं प्लस 2 2 4 होता है ना। तो बट यहां हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम गुणनखंड करते हैं इसमें, तो 2 2 4 हो गया, बट 0 से जाएगा तो 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 से अगर किसी से बड़ी संख्या का गुणा हम 0 में करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अब हम देखेंगे 2 2 4 2 8 है ना, 2 2 4 2 3 6 होता है वैसे अगर हम टेबल निकाल करते हैं, लेकिन यहां हम गुणनखंड करें 2 2 4 2 8 तो यहां 8 हो गया और 1 में जग गया। एक बार अगर 8 से 1 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 2 2 4 2 8 2 16
एक में 16 से गुणा करेंगे तो 16 पूरा आ जाएगा। तो आप देखें 16 8 कितना होता है 24 और 2 26, तो ये आपका 26 डेसिमल इसका बना कितना 26। अब हम चेक करते हैं क्या 26 की यही बाइनरी होगी। यहां अगर हम आंसर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 26। अब हम इसको 26 की बाइनरी निकालेंगे और चेक करेंगे क्या यही बाइनरी आ रही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लघुत्तम निकालते हैं, हम जो 26 लिखेंगे और इसका बाइनरी बेस से भाग कर देंगे। दो 13 2 26 जीरो, जब कट जाती है संख्या तो चूंकि दो से अगर हम भाग करते हैं तो या तो कटेगी संख्या या सिंगल एक शेष बचेगा, जीरो और वन ही आना है तो जीरो हो गया। फिर हमने 2 से किया, 2 6 12 एक बच जाएगा, चूंकि 13 2 6 12 एक शेष बच गया आपका, 2 3 6 कट गया जीरो आ गया। फिर 2 से हम करेंगे, 2 1 में 2 और यहां पर आपका यह आ जाएगा। और ये जो डिजिट यहां आई हुई है उसको हम इधर लिख लेते हैं और हम लेस सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी पर जाते हैं। कहने का मतलब लेस सिग्निफिकेंट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर हम जाते हैं और हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, मतलब नीचे का पहले लिख लेंगे 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 इस तरह से हमने लिख लिया और ये हो गया आपका बाइनरी। और आप देखें क्या यही बाइनरी है 26 की, तो यही सेम बाइनरी निकल के आया। कहने का मतलब ये सिद्ध हो गया कि जो इसका डेसिमल मैंने 26 निकाला था, बाइनरी निकाल लेने के बाद पता चल गया कि ये इसका 26 का इस बाइनरी का ये डेसिमल है 26 और इस 26 की ही ये फिक्स बाइनरी है। तो इस तरह से हम डेसिमल बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को हम बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपने देखा। यदि कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हम बाइनरी डिजिट्स को रहन देंगे यहां पर, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इतना ही आप लिख करके रखते हो तो आप 16 डिजिट्स तक का हेक्साडेसिमल तक कन्वर्जन कर सकते हैं। आपने देखा कि बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे बदलते हैं और डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे बदलते हैं। अब हम ऑक्टल टू बाइनरी चेंज करते हैं। मैंने अभी नीचे लिखा हुआ था 5 6 8, अगर इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहली चीज तो हेक्सा डायरेक्ट बाइनरी में नहीं कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट अगर बाइनरी में कुछ कन्वर्ट होता है तो डेसिमल होता है। इसीलिए कंप्यूटर भी जो चेंज करता है जिसे हम बीसीडी कहते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल, डेसिमल को भी बाइनरी कोड में वो कर देता है, तो डायरेक्ट डेसिमल बाइनरी में चेंज किया जाता है बट ऑक्टल या हेक्सा को डायरेक्ट बाइनरी चेंज नहीं किया जाता है। कारण क्या है इसमें, क्योंकि अभी आप इसका डेसिमल पहले हम निकालेंगे और जब डेसिमल निकालेंगे तो ये जो इसकी बाइनरी होगी हेक्सा की, वो डेसिमल के जो डिजिट आएगी उसकी बाइनरी बनेगी। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए जो 56 है इसको हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए मैंने थोड़ा सा दूर लिख लिया है। हम क्या करते हैं 6 × 8 के पावर में 0 प्लस 5 × 8 के पावर में 1। जब 0 पावर में जाता है तो डिजिट डायरेक्टली कट जाती है और उसका 0 हो जाता है, वो डिजिट डायरेक्ट कट जाती है और जिससे हम गुणा कर रहे होते हैं उसको डायरेक्ट हम उतार लेते हैं, इसे प्लस हो गया और 8 1 में 8 जाता है। एक बार अगर हम करेंगे 8 1 जा 8 और 8 से 5 में गुणा करेंगे तो 8 5 40 होता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे 40 40 और 6 कितना होता है 46 40 और 6 46 हो जाएगा। अब इस 56 ऑक्टल जो था इसका डेसिमल कितना बना 46। अब इसका हम बाइनरी निकाल लेंगे, इसका हम क्या कर लेंगे बाइनरी निकालेंगे, तो 46 का बाइनरी हम निकालेंगे। 23 2 46 2 से हम गुणा करेंगे, 2 2 4 2 3 6 0 कट गया। फिर 2 से करेंगे 11 2 22 होता है 1 आ गया, 2 5 10 होता है फिर 1 हो गया, 2 2 4 होता है फिर 1 हो गया, 2 1 में 2 होता है और ये कट गया 0 हो गया। तो ये 1 जो है ये यहां उतर जाएगा।
और हम नीचे से ऊपर की तरफ लेस सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर हम जाएंगे और हमें नीचे वाले से लिखना स्टार्ट करेंगे 1 0 1 1 1 एंड 0। ये बन जाएगी बाइनरी। ये बाइनरी 46 की भी बाइनरी है और 56 की भी बाइनरी है। अगर इसको आप डायरेक्ट ऑक्टल कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे हम करते हैं उसको मैं बताता हूं आप लोगों को। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसे मैं मिटा दे रहा हूं। हमने पहले क्या किया, 56 को पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया और फिर डेसिमल डिजिट जो थी उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया। अभी जो बाइनरी आया हुआ है इसे मैं डायरेक्ट ऑक्टल में कन्वर्ट करके दिखाता हूं कि ये ऑक्टल 56 की बाइनरी है या नहीं। तो हम ये बाइनरी लिख लेते हैं 1 0 1 1 1 0, यही बाइनरी है। और आपको भी मैंने बताया कि जो 7 तक है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, आप देखें 7 तक 3 का जोड़ा बन रहा है, 8 से जोड़ा बढ़ गया 4 का हो गया, है ना। ध्यान दीजिएगा आप, 8 से 4 डिजिट्स का अमाउंट हो गया, क्योंकि आगे का जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो कहने का मतलब ऑक्टल के लिए हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो हम इसका 3 का जोड़ा बना लेते हैं। और किसकी किसका बाइनरी हम देख लेंगे, 1 1 0 किसका है, 0 1 2 3 4 5 6 6 का है, यहां 6 लिख लिए। और ये जो 3 का जोड़ा है वो किसका है, ये 5 का है, तो यहां देखिए आप लिख लेंगे 5। और आप देखेंगे कि 5 और 6 यही आपका 56 हो गया डायरेक्टली। ये 56 जो बाइनरी है वो डायरेक्ट ऑक्टल का बाइनरी है। और अगर इसे हम इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल आएगा। कहने का मतलब जो 46 डेसिमल की बाइनरी है वही 56 ऑक्टल की बाइनरी है। तो मैं ऐसा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आपने देखा कि ऑक्टल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं तथा बाइनरी को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम अगला देखते हैं हेक्सा को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी डिजिट को हम हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम एक हेक्सा डिजिट 5 2 F 4, ये मान लीजिए मेरा हेक्सा डिजिट है, तो इसको हम डायरेक्ट बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाते हैं आपको। हमने 5 लिख लिया, इसका भी वही सिस्टम है कि इसको हम पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें फिर जो डेसिमल आए उसका बाइनरी निकालें। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए हम इसको डायरेक्ट करके दिखा दे रहे हैं 5 2 F 4। आप देखें कि ये मैंने इसीलिए इसको बचा के रखा है, इसको मैंने अभी इरेज नहीं किया है, बस ये सारे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको। आप देखें हेक्सा बाइनरी तक जाने में इसको 4 4 डिजिट का जोड़ा बनाया गया इसको। तो आप देखें अब हम 4 हमें 4 4 का जोड़ा बनाना है, तो 4 का हम बाइनरी देखेंगे क्या है, 0 1 2 3 4। 4 के लिए 1 0 0 होना चाहिए लेकिन हम 0 1 0 0, ये 4 का जोड़ा मैंने बना दिया। F क्या होता है आप जानते हैं, F 0 to F होता है हेक्साडेसिमल, मतलब ये लास्ट वाला, तो 1 1 1 1 ये 4 का ये जोड़ा बन गया। 2 का क्या होता है आप देखें, 0 है ये 1 है ये 2, 2 के लिए 1 0 होना चाहिए बट हमें 4 4 का जोड़ा बनाना है तो ये हो जाएगा। और 5 का क्या होगा, 1 0 1, तो हमें 4 का जोड़ा बनाना है तो 0 1 0 1, ये हो गया आपका। आप अभी मैंने आपको बताया कि जो आगे 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लिखेंगे इसकी बाइनरी, हमें 0 छोड़ देंगे, आगे है 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0, ये बन जाएगी बाइनरी आपकी। इस हेक्सा की बाइनरी हो जाएगी आपकी 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0, ये बाइनरी आपकी बन जाएगी, यहां मैंने लिख रखा है। तो इस तरह से हम अब हम इसको सिद्ध करते हैं कि इसका हेक्सा कैसे बनेगा। सेम यही प्रोसेस हम यहां कर लेते हैं। अगर ये बाइनरी हम ऊपर लिख लें ऐसे ही 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0, यही बाइनरी है आपकी।
अब इसका हम चार का जोड़ा बनाएंगे। अभी हम देखेंगे कहां मिल रहा है हमें, तो आप देखेंगे आपको ये यहां मिल रहा है, तो ये फोर की बाइनरी है। इसका चार बना लेंगे तो आप देखेंगे ये एफ की बाइनरी है, चूंकि हम हेक्साडेसिमल में लिख रहे हैं। इसका हम चार का जोड़ा बनाएंगे, हम देखेंगे क्या है, ये टू की बाइनरी है। और इसका हम जोड़ा तो एक कम पड़ रहा है, तो यहां एक जीरो ले लेंगे। और इसको हम देखेंगे तो ये फाइव का है, तो इस तरह से फाइव टू एफ फोर, ये आपका 16, ये बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि हम बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को हम बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से हम बाइनरी कैसे बनाते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे बनता है, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे बनता है, आपने देखा हेक्सा डेसिमल से हम बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, तथा बाइनरी से हेक्सा डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट संख्या प्रणाली मैंने आज आपको बताया। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आया होगा। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, तथा सब्सक्राइब अभी भी ना किया हो तो अभी कर लें, बिकॉज इस चैनल पर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस प्राप्त होती हैं, टैली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती है। तो ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि आप किसी भी तरीके से कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।